Hello everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher. And today, I'm here to teach you English of class 1. So, our topic is the clever mouse, and it's a very chatur mouse, right? And in the previous class, mein, the clever mouse story, we have read it very well. So, that was our part 1. So, today is our part 2. Okay, so part 1, we have पढ़ लिया एंड पार्ट वन में हमने इसका स्टोरी यानी कि द क्लेवर माउस में एक हमारा कैट है जिसका नाम पुसी कैट है और हमारा माउस जो है उनका नाम क्या था निकी माउस था ये हमने पढ़ा तो आज के क्लास में ये जो पार्ट टू में हम सही जुड़े हुए जो हार्ड वर्ड्स जो है उसका मीनिंग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम देखेंगे ठीक है तो ये जो हमें पार्ट टू जो है स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ठीक है थोड़ा सा हम ये जो स्टोरी जो है एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे कि इस स्टोरी में हमारा एक कैट है एंड कैट का नाम क्या था मिस पुसी कैट कैट का नाम क्या था मिस पुसी कैट और हमारा जो माउस जो है माउस का नाम क्या था मिकी माउस यही हमने देखा हमने है ना और इस स्टोरी में मिस पुसी कैट और निकी माउस के जो स्टोरी में हमने जो देखा जो निकी माउस जो है मिस पुसी कैट को चिरा रहे थे बार बार देखो मिस पुसी कैट अगर हमें पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो ये कह रहे थे निकी माउस मिस पुसी कैट को है ना तब जाके मिस पुसी कैट ने क्या सोचा अच्छा देखो ये तो हमारा मजाक बना रहा है तो ठीक है तो इसको मैं जरूर सबक सिखाऊंगी यही मिस पुसी कैट ने सोचा था ना प्रीवियस क्लास में हमने स्टोरी पढ़ा था एंड निकी माउस एंड मिस पुसी कैट ने क्या किया निकी माउस को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सा छलांग मार लिया पर क्या हुआ बाय मिस्टेकली हमारा मिस पुसी कैट का हेड जो है वो क्या हुआ हिट हो गया कबट में तो क्या हुआ मिस ये जो हमारा निकी माउस जो है फिर से कबट के ऊपर चला गया और फिर से निकी हमारे मिस पुसी कैट को चिराने लगे देखो हम यहाँ पर है पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो ये कहा और उसके बाद क्या हुआ मिस पुसी कैट ने सोचने लगी कि अच्छा इसको तो मैं जरूर सबक सिखाऊंगी यही कहा है ना मिस पुसी कैट ने और मिस पुसी कैट ने क्या किया एक प्लान बनाया हमारा निकी माउस को पकड़ने के लिए और उसी प्लान के हिसाब से हमारा मिस पुसी कैट ने क्या किया अपना हेयर जो है वो कवर कर लिया डस्टर से ठीक है एंड कवर करने के बाद क्या किया वो चुपचाप से मैट में बैठ गई हमारा मिस पुसी कैट और तब जाके निकी माउस जो कबर्ड के ऊपर थे वो देखने लगे अच्छा ये मिस पुसी कैट तो क्या कर रही है ठीक है तो हमें इसके पास जाके देखना चाहिए कि हमारा मिस पुसी कैट जो है वो क्या कर रही है और क्या किया निकी माउस ने धीरे 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 कबर्ड के नीचे उतरने लगे और मिस पुसी कैट के पास में चला गया कि देखने के लिए कि मिस पुसी कैट जो है वो क्या कर रही है यही देखने के लिए चला गया तब क्या हुआ मिस पुसी कैट ने फिर से एक जोर सा छलांग मार लिया और हमारे निकी माउस को पकड़ लिया और उसके बाद हमारा मिस पुसी कैट ने क्या किया निकी माउस को बॉल जैसा ही है ना डस्टर के अंदर जो है डस्टर जिसे हम झाड़न बोलते हैं उसके अंदर डाल के निकी माउस को ऊपर नीचे करके खेलने लगे है ना तो उसके बाद क्या हुआ खेलते खेलते जब हमारा मिस पुसी कैट ने वो डस्टर खोला तो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज था और वो सरप्राइज क्या था उसके अंदर निकी माउस ही नहीं था तो फिर से निकी माउस का आवाज आया ऊपर से कह रहे थे देखो मिस पुसी कैट मैं तो कब का निकल गई हूँ गया हूँ वहां से देखो वहां पर जो झाड़न में जो छेद जो है उससे मैं कब का बाहर निकल गया हूँ ये कहा और बहुत मजे से है ना वो खुश होके वो डांस करके जंप करने लगे और बहुत मजा करने लगे निकी माउस तो इस तरीके से जो निकी माउस जो है अपने अपने क्लेवरनेस के वजह से मिस पुसी कैट के चंगुल से बाहर निकल गया और निकी एंड मिस पुसी कैट ने इतना ज़्यादा प्लान बनाने के बाद भी एट द एंड जो है निकी माउस को नहीं पकड़ पाए तो इसीलिए ये जो हम स्टोरी जो है उसका नाम है द क्लेवर माउस ओके सो नाउ अब हम देखेंगे
इससे जुड़े हुए वर्ड मीनिंग्स, यानी कि वहाँ पर बहुत सारा हार्ड वर्ड्स था जिसका प्रोनंसिएशन करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था आप सब लोग को, है ना। तो उसके बाद उसका जो ये जो वर्ड्स जो है बहुत न्यू है आपके लिए और इसका मीनिंग जो है वो आप लोग को पता नहीं होगा। तो इसीलिए जो आज के क्लास में हम वर्ड मीनिंग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स ये सब हम आज के क्लास में ही देखेंगे। ओके, सो नंबर वन वर्ड मीनिंग जो है हमारा चेजेस, CHASES, changes. So what is the meaning of changes? The act of following somebody. यानी कि क्या है changes का English meaning? किसी को पीछा करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो cat जो है mouse के पीछा कर रहा है ना, so इसे ही बोलते हैं हम change करना, ठीक है। And the meaning of changes is the act of following somebody. यानी कि पीछा करना, किसी का पीछा करना उसे पकड़ने के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर कैट जो है माउस का पीछा कर रहा है उसको पकड़ने के लिए। अब उसके बाद नंबर टू वर्ड मीनिंग इज मिसेस, MISSES, मिसेस, टू फेल टू हिट, यानी कि छूट जाए, यानी कि छूट जाने किसी को पकड़ने के लिए है ना, या फिर किसी को किसी चीज़ को पकड़ने के लिए या फिर किसी चीज़ को मारने के लिए जब गलती से छूट जाता है ना, उसे ही हम बोलते हैं मिस करना, मिस आउट हो जाना, मिसेस, ठीक है। यानी कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको बॉल पकड़ना है ना, बॉल जो आ रहा है और आपको पकड़ना है तो गलती से छूट जाता है, नहीं पकड़ पाते आप लोग, है ना। या फिर आप फुटबॉल खेलते वक्त बॉल को अपने पैर से देते हो एक, है ना, पर क्या होता है गलती से कभी कभार उसको नहीं लगता है, तो उसे ही बोलते हैं मिस होना, दैट इज द मिसेस। द मीनिंग ऑफ मिसेस इज टू फेल टू हिट, यानी कि छूट जाए, ठीक है। सो आफ्टर दैट डेविल, तो हमने इस लेसन में डेविल वर्ड भी हमने देखा, यानी कि जहाँ पर हमारा मिस पुसकैट जो है निकी माउस को डेविल बोल रहा था, है ना, वेयर इज दैट डेविल, ये सब बोल रहा था ना। तो डेविल का मीनिंग क्या है, डेविल अ विकेट और नटी पर्सन, यानी कि शैतान, यानी कि बहुत विकेट जो बदमाश जो होता है ना, वो शैतान करता है ना, वो शैतानी करता है, उसको हम बोलते हैं विकेट, ठीक है, विकेट और नटी, दैट इज डेविल। तो डेविल का मतलब क्या है, शैतान, यानी कि किसी को हम बोल रहे हैं कि देखो तुम तो बहुत शैतान हो, है ना, या फिर यहाँ पर माउस को भी हमारे कैट ने डेविल कहा, तो एक्चुअली वो शैतान नहीं है, जो शैतान की जो बदमाश होता है उसे तो हम शैतान बोलते हैं ना, तो इसलिए हमारी ये जो स्टोरी जो है उसमें शैतान बताए। देखिए यहाँ पर जो बहुत नॉटी होता है, देखने में बहुत अजीब से देखते हैं, बहुत बदमाश करता है ना, बहुत नॉटी होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेविल। So after this, our fourth word meaning is duster. D-U-S-T-E-R, duster. So what is the meaning of duster? Cloth that removes dust. यानी कि झाड़न, यानी कि duster का मतलब एक हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसे, झाड़न बोलते हैं। और ये जो duster जो है कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो झाड़न जो है, यानी कि एक कपड़ा ही है पर इसे हम अपने बॉडी जो है बॉडी को सुखाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, जो गंदा धूल जो है उसे साफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो धूल वगैरह साफ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसे ही हम बोलते हैं डस्टर, यानी कि हिंदी में है झाड़न। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्टर, क्लोथ दैट रिमूव्स डस्ट। So our next word meaning is sliding. S-L-I-D-I-N-G, sliding. To move smoothly along a surface. यानी कि फिसलना, ठीक है, यानी कि धीरे से ऊपर से लेके नीचे जो है सरफेस, यानी कि ग्राउंड में आना, जिस तरीके से हमारे जो स्टोरी में जो निकी माउस जो था वो कबर्ड के ऊपर थे, है ना, और जब उन्होंने मिस पुस्तकार को देखा कि वो अपना मुंह जो है कवर करके मैट में बैठी है, तो क्या क्या निकी माउस ने उसको पकड़ने के लिए पहले धीरे से नीचे फिसलते हुए आने लगे, दैट इज स्लाइडिंग। ओके, सो द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग इज टू मूव स्मूथली अलोंग अ सरफेस। सो आवर नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज सडनली,
सडनली, एस यू डी डी ई एन एल वाई, सडनली, क्विकली एंड विदाउट वार्निंग, यानी कि अचानक से, यानी कि किसी को कहे कि नहीं, अचानक से जब भी होता है ना उसे हम बोलते हैं सडनली, यानी कि बहुत हम चौंक जाते हैं जब भी कोई कुछ भी चीज़ जो है बहुत अचानक से होता है जो हमने सोचा भी ना हो, है ना, सो दैट इज सडनली, यानी क्विकली, यानी बहुत जल्दी से और कुछ भी वार्निंग नहीं दिया जाता है, दैट इज सडनली, और वो भी है अचानक से. सो आफ्टर दिस टॉसेस, टॉसेस और थ्रो, यानी कि फेंकना, टॉसेस, टी ओ एस एस ई एस, टॉसेस, यानी कि उसे फेंकना ऊपर नीचे करके, जैसे कि हम बॉल को टॉस करते हैं ऊपर नीचे करके, है ना, दैट इज टॉसेस. सो द मीनिंग ऑफ टॉसेस इज और थ्रो, यानी कि फेंकना. उसके बाद है हमारा टाइज, नंबर एक में है टाइज, टी आई ई एस, टाइज, टू फॉर्म और नॉट, बांधना. तो टाइज का मतलब क्या है, एक नॉट, एक गांठ बनाना, नॉट का मतलब है एक गांठ बनाना, है ना, तो गांठ बनाना यानी कि टाइटली टाई करना, उसे हम बोलते हैं टाइज, टू फॉर्म और नॉट, यानी कि एक गांठ बनाना, ठीक है, यानी कि उसे बांधना कुछ इस तरीके से. आपने देखा ही है रस्सी में किस तरीके से बांधा जाता है, किस तरीके से नॉट बनाया जाता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइज. एंड आवर लास्ट वर्ड मीनिंग इज अनटाइज, टू रिमूव और नॉट, यानी कि ये जो गांठ बनाया है उससे जब भी हम खोलते हैं उसे हम बोलते हैं अनटाई करना, ठीक है, यानी कि खोलना. सो द मीनिंग ऑफ अनटाइज इज टू रिमूव और नॉट, यानी कि खोलना, ठीक है. तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द क्लेवर माउस. तो एक बार हम फिर से देखते हैं, चेंजेस द एक्ट ऑफ फॉलोइंग समबडी, यानी कि पीछा करना. नंबर टू, मिसेस टू फेल टू हिट, यानी कि छूट जाए, है ना, जब भी छूट जाता है कुछ भी चीज उसे हम बोलते हैं मिस होना. डेविल अ विकेट और नॉटी पर्सन, यानी कि बहुत शैतान जो है ना, बहुत विकेट एंड बहुत नॉटी जो होता है ना उसका ही हम बोलते हैं डेविल. एंड आफ्टर दैट डस्टर, डस्टर क्लोथ्स दैट रिमूव्स डस्ट, यानी कि झाड़न, कपड़ा जो हम धूल साफ करने के लिए हम यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं डस्टर. आफ्टर दैट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग टू मूव स्मूथली अलॉन्ग अ सरफेस, यानी कि फिसलना, यानी कि धीरे धीरे ग्राउंड में, सरफेस में आना, उसे ही हम बोलते हैं स्लाइडिंग. सडनली, क्विकली एंड विदाउट वार्निंग, यानी अचानक से, विदाउट वार्निंग जो होता है ना बहुत अचानक से, उसे हम बोलते हैं सडनली. आफ्टर दैट टॉसेस और थ्रो, फेंकना, यानी कि ऊपर नीचे करके फेंकना, तो फैलते हैं ना जो हम बॉल, दैट इज टॉसेस. और उसके बाद है हमारा टाइज, टू फॉर्म और नॉट, यानी कि बांधना, उसे ही हम बोलते हैं टाइज, टू फॉर्म और नॉट. एंड आफ्टर दैट अनटाइज, टू रिमूव और नॉट, यानी कि उसे खोलना, अनटाई यानी कि खोलना, टू रिमूव और नॉट, है ना. तो ये है हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज द क्लेवर माउस. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी. आंसर इज मिकी माउस इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी. तो क्या है हमारा माउस का स्टोरी में, मिकी माउस. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी, मिकी माउस इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर टू, हु हिट्स हर ओन हेयर. तो किसने अपना सर जो है वो हिट किया था इस स्टोरी में, मिकी माउस तो नहीं है, ऑब्वियसली मिस पुसी कैट है. सो द आंसर विल बी मिस पुसी कैट हिट्स हर ओन हेयर, ठीक है. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू. सो क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर वॉज द मिकी माउस.
तो इस स्टोरी में निकी माउस कहाँ पर था, है ना, क्योंकि चिराने के बाद मिस पुसीकैट को चिराने के बाद कहाँ पर गए थे निकी माउस, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन जो है हमारा, वेयर वॉज द निकी माउस, आंसर इज निकी माउस वॉज ऑन द कबर्ड। तो निकी माउस कहाँ पर था, कबर्ड के ऊपर था, है ना। एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हु टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर। डस्टर का मतलब झाड़न, है ना। तो हमने बताया आपको डस्टर यानी कि जो कपड़ा जो होता है धूल साफ करने के लिए हम यूज करते हैं उसे ही हम बोलते हैं डस्टर। सो हु टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर, किसने डस्टर में अपना मुंह जो है कवर कर लिया था। मिस पुसीकैट टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर। तो मिस पुसीकैट ने ही डस्टर से अपना मुंह जो है यानी कि फेस जो है वो कवर किया था। क्यों? क्योंकि उसका एक प्लान था निकी माउस को पकड़ने के लिए, ठीक है। सो आफ्टर दिस हु केम स्लाइडिंग डाउन द कबर्ड, तो कौन है जो फिसलते हुए धीरे धीरे कबर्ड के नीचे जो है वो आने लगा। कौन है? निकी माउस केम स्लाइडिंग डाउन द कबर्ड। कौन है? निकी माउस, क्योंकि निकी माउस जो है उसको मिस पुसीकैट को चिराने के बाद वो कबर्ड के ऊपर चला गया, है ना। और उसके बाद निकी माउस जो है जब मिस पुसीकैट मुंह कवर करके मैट में बैठे थे तो क्या हुआ, धीरे धीरे अब निकी माउस जो है कबर्ड के पास में कबर्ड से नीचे आने लगे। तो इसलिए आंसर विल बी निकी माउस केम स्लाइडिंग डाउन द कबर्ड। नंबर सिक्स, हु सडनली जंप्स अपन निकी माउस, तो कौन अचानक से निकी माउस के ऊपर जंप कर लिया। मिस पुसीकैट सडनली जंप्स अपन निकी माउस, तो कौन था जिसने जंप किया था अचानक से निकी माउस के ऊपर, वो है मिस पुसीकैट। सो लास्ट है हमारा हु स्टार्ट्स डांसिंग विद जॉय, तो कौन जो था वो बहुत मजे से, है ना, खुश होके झूमने लगे थे, कौन था वो, निकी माउस स्टार्ट्स डांसिंग विद जॉय। ओके, तो फिर से एक बार हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइम क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी, निकी माउस इज द नेम ऑफ द माउस इन द स्टोरी। नंबर टू, हु हिट्स हर ओन हेड, मिस पुसीकैट हिट्स हर ओन हेड। वेयर वॉज द निकी माउस, निकी माउस वॉज ऑन द कबर्ड। नंबर फोर, हु टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर, आंसर मिस पुसीकैट टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर। फाइव, हु केम स्लाइडिंग डाउन द कबर्ड, निकी माउस केम स्लाइडिंग डाउन द कबर्ड। नंबर सिक्स, हु सडनली जंप्स अपन निकी माउस, मिस पुसीकैट सडनली जंप्स अपन निकी माउस। नंबर सेवन, हु स्टार्ट्स डांसिंग विद जॉय, निकी माउस स्टार्ट्स डांसिंग विद जॉय। तो ये रहा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, सो नंबर वन, व्हाई मिस पुसीकैट वांट्स टू कैच निकी माउस। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि मिस पुसीकैट ने प्लान बनाया था क्यों, निकी माउस को पकड़ने के लिए। अब क्यों पकड़ना चाहती थी मिस पुसीकैट निकी माउस को, ठीक है। तो मिस पुसीकैट वांट्स टू कैच निकी माउस बिकॉज ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर। क्योंकि मिस पुसीकैट क्यों निकी माउस को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि मिस पुसीकैट जो है निकी माउस जो है मिस पुसीकैट का मजाक बना रहा था इसीलिए। सो द आंसर इज मिस पुसीकैट वांट टू कैच निकी माउस बिकॉज ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर। नंबर टू, हाउ मिस पुसीकैट हिट्स हर ओन हेड, तो कैसे मिस पुसीकैट के सर पर लग गया, है ना। सो मिस पुसीकैट हिट्स हर ओन हेड व्हेन शी जंप्ड एट निकी माउस, तो जब निकी माउस को पकड़ने के लिए मिस पुसीकैट ने जंप किया
तो क्या हुआ, उसके सर पर लग गया, तब जाके उनके सर पर लग गया था, है ना। सो नंबर थ्री इज, वेयर इज दैट लिटिल डेविल हु सेड दिस लाइन। तो किसने कहा कि अच्छा ये शैतान जो है वो कहाँ पर है जो हमें बहुत चिढ़ा रहा है ना, किसने कहा ये लाइन, वेयर इज दैट लिटिल डेविल, किसने कहा? ये कहा था हमारा मिस पुसीकैट सेड दिस लाइन। तो ये जो लाइन जो है मिस पुसीकैट ने कहा था जब मिकी माउस जो है फिर से भाग गए थे मिस पुसीकैट के हाथ से, है ना। और अच्छा तो हमारा नंबर फोर क्वेश्चन है, व्हाट प्लान डिड मिस पुसीकैट मेक इन ऑर्डर टू कैच मिकी माउस। तो मिकी माउस को पकड़ने के लिए हमारा मिस पुसीकैट ने क्या प्लान बनाया था? आंसर इज, मिस पुसीकैट ties up her head in a duster and sits down on a mat. तो क्या किया मिस पुसीकैट ने, अपना जो डस्टर से मुंह कवर करके वो मैट में बैठ गई, ठीक है। तो नंबर फाइव क्वेश्चन इज मिस पुसीकैट एबल टू कैच मिकी माउस एट द एंड, ई एन डी एंड, यानी कि मिस पुसीकैट ने एट द एंड मिकी माउस को पकड़ा, यही पूछा है क्वेश्चन। आंसर इज नो, मिस पुसीकैट वॉज नॉट एबल टू कैच मिकी माउस एट द एंड बिकॉज मिकी माउस वॉज वेरी क्लेवर, यानी कि मिकी माउस जो है वो बहुत क्लेवर थे, इसलिए एट द एंड मिकी माउस को मिस पुसीकैट नहीं पकड़ पाए, है ना। तो ये रहा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन। सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रीड एंड फाइंड। रीड एंड फाइंड यानी कि रीड का मतलब है आपको पढ़ना है, पहले सबसे पहले ये पढ़ना है और उसके बाद फाइंड यानी कि ढूंढना है, पढ़ने के बाद आपको ढूंढना है और जो सही आंसर जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके सो नंबर वन, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक। तो नीचे जो है वर्ड दिया है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक जो है वहाँ पर आप लोग को सही आंसर ढूंढ के यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। सो नंबर वन इज, डैश ट्राइज टू टीज डैश। तो किसने किसको चिढ़ाया था? नंबर ए इज मिकी माउस, तो मिकी माउस ट्राइज टू टीज पुसी कैट है, या फिर पुसी कैट ट्राइज टू टीज मिकी माउस, क्या है सही आंसर वही लिखना है आप लोग को यहाँ पर, ठीक है। सो डैश ट्राइज टू मिकी माउस टीज द डैश, तो क्या है मिकी माउस। सो आंसर इज मिकी माउस tries to tease pussycat। तो निकी माउस ने पुसीकैट को क्या किया था, चिढ़ाया था, है ना। सो आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर टू, निकी माउस गोज अप द, तो निकी माउस कहाँ पर गए थे? नंबर ए सोफा बेड एंड नंबर बी इज कबर्ड। तो निकी माउस कहाँ पर गए थे? निकी माउस गोज अप द कबर्ड, CUPBOARD कबर्ड। नंबर थ्री, पुसी कैट हिट्स हर, क्या हुआ था, कहाँ पे लगा था हमारे मिस पुसी कैट को जब जंप किया था उन्होंने? नंबर ए इज लेग एंड नंबर बी इज हेड। सो पुसी कैट हिट्स हर हेड, यानी उनके सर पे लगा था ना, सो मिस पुसी कैट हिट्स हर हेड। आफ्टर दैट At the end, Mickey Mouse starts dance with joy. तो क्या करना शुरू किया था मिकी माउस ने? मिकी माउस starts dancing, D-A-N-C-I-N-G, dancing, क्योंकि ऑप्शन दिया है dancing and singing, and मिकी माउस starts dancing with joy. Okay? So now, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मिकी माउस tries to tease pussycat, okay? So, number two, Mickey Mouse goes up the cupboard. Number three, pussycat hits her head. Number four, Mickey Mouse starts dancing with joy. तो ये रहा हमारा choose the correct word for each blank. तो अब हम करेंगे tick the correct statement. तो यहाँ पर आप लोग को जो सही आंसर जो है उसको आपको टिक करना है, यानी कि यहाँ पर
बहुत सारा सेंटेंस दिया है, तो उसमें जो सही है वो उसको आपको टिक करना है। जैसे कि नंबर वन, पुसी कैट इज वेरी क्लेवर। तो पुसी कैट बहुत क्लेवर था? नो, तो हम रॉन्ग करेंगे। निकी माउस इज वेरी क्लेवर। तो निकी माउस बहुत क्लेवर है? यस, तो हम क्या करेंगे? राइट। नंबर टू, निकी माउस टाइज अप हिज हेड इन अ डस्टर। तो निकी माउस ने अपने डस्टर से अपना फेस कवर किया था? नो, सो आंसर विल बी रॉन्ग। किसने किया था कवर? पुसी कैट टाइज अप हर हेड इन अ डस्टर। तो किसने कवर किया था डस्टर ने अपना फेस? पुसी कैट ने। तो यहां पर हम करेंगे राइट। नंबर थ्री, पुसी कैट आस्क्स निकी माउस टू कैच हर। तो पुसी कैट ने बताया था निकी माउस को आओ हमें पकड़ो, नहीं ना, सो वी विल डू रॉन्ग। एंड यहां पर निकी माउस आस्क पुसी कैट टू कैच हिम। तो निकी माउस आस्क पुसी कैट टू कैच हिम। तो सो निकी माउस ने कहा था ना पुसी कैट को उसको पकड़ने के लिए, अगर पकड़ ना सकते हो तो पकड़ो, है ना। तो हम यहां पर करेंगे राइट। सो आफ्टर दिस ये है हमारा टिक द कार्ड स्टेटमेंट। सो आफ्टर दिस वी विल लुक वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड जो है और यहाँ पर जो ब्लैंक जो है वहां पर आप लोग को फिलअप करना है। तो पुट इन द करेक्ट वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड जो है सही आंसर जो है आप लोग को यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है। तो हमारे जो वर्ड जो है वो है रिंगिंग, राइटिंग, हाइडिंग, ड्रॉइंग एंड प्लकिंग। सो नंबर वन में है द माउस इज डैश बिहाइंड द कबर्ड। तो क्या है, रिंगिंग भी नहीं होता है, राइटिंग भी नहीं होता है, तो आंसर इज हाइड, यानी कि छिपा हुआ है। हाइडिंग यानी कि छिपा हुआ है कहाँ पर, कबर्ड के पीछे। द माउस इज हाइडिंग बिहाइंड द कबर्ड, यानी कबर्ड के पीछे छिपा हुआ है हमारा माउस। सो आफ्टर दिस डॉली इज डैश अ पिक्चर। तो डॉली क्या कर रहा है पिक्चर के साथ, रिंगिंग तो नहीं होगा, राइटिंग भी नहीं होगा, हाइडिंग भी नहीं होगा, क्या होगा, ड्रॉइंग। सो क्या होगा, डॉली इज ड्रॉइंग अ पिक्चर, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग। नंबर थ्री, द पियोन इज डैश द बेल। तो पियोन क्या होता है, स्कूल में होता है जो बेल लगाता है ना हर एक पीरियड के बाद। सो द पियोन इज डैश द बेल, क्या होगा आंसर, रिंगिंग। तो फर्स्ट में है हमारा रिंगिंग, सो हम यहाँ पर लिखेंगे द पियोन इज रिंगिंग द बेल। नंबर फोर, द चिल्ड्रेन आर डैश द फ्लावर। तो चिल्ड्रेंस क्या कर रहा है फ्लावर को, हमारा रिंगिंग भी हो गया, राइटिंग भी हो गया, है ना, रिंगिंग, राइटिंग, हाइडिंग, ड्रॉइंग, प्लकिंग यानी कि चुराना, है ना, सो उसे तोड़ देना। सो द चिल्ड्रेंस आर प्लकिंग द फ्लावर, यानी कि उसे तोड़ देना। नंबर फाइव, द टीचर इज डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर क्या कर रहा है ब्लैक बोर्ड में, राइटिंग। तो ये है हमारा वर्ड पावर। तो जो भी वर्ड पावर जो है वो यहाँ पर लगा दिया है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द राइट द शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो फुल फॉर्म दिया है उसका आप लोग को शॉर्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि इज नॉट, तो इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, इज़न्ट, आई एस एन एपोस्ट्रॉफी टी। इसे हम क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं इसे, ठीक है, आई एस एन एपोस्ट्रॉफी टी, इज़न्ट, इज नॉट, इज़न्ट। नंबर टू, कैन नॉट, कैन नॉट का फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म होगा कांट, सी ए एन एपोस्ट्रॉफी टी, कांट। आर नॉट का होगा aren't, ए आर ई एन apostrophe t, aren't। नंबर फोर, do not का होगा don't, d o n apostrophe t, don't। नंबर फाइव, does not का होगा doesn't, d o e s n apostrophe t, doesn't। नंबर सिक्स, should not का क्या होगा, shouldn't, s h o U L D N apostrophe T। तो ये रहा हमारा शॉर्ट फॉर्म।
इज नॉट का है इज इन, कैन नॉट कांट, आर नॉट aren't, do not don't, does not doesn't, should not shouldn't. Okay, so these are our short forms. तो अब हम करेंगे complete the questions with what or where. तो यहाँ पर जो question पूछा गया है और यहाँ पर blank जो है वहाँ पर आपको सही what या फिर where आपको लगाना है. So dash is this, it is a cat. तो क्या है ये हमारा, what is this, क्या है ये, है ना, what is this, क्या है ये, where यानी कहाँ, कहाँ है ये तो नहीं होता है ना, कहाँ, क्या है ये, क्या यानी कि what, कहाँ है, where. So question is what is this, it is a cat, that is the cat. So cat कहाँ पर है, यहाँ पर cat कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे where, where is the cat, it is in the box. So cat कहाँ पर है, box के अंदर है. Dash is that. तो क्या है ये, क्या है ये, यहाँ पर कहाँ पर है तो नहीं होता है ना, क्या है ये होता है. तो क्या है ये, what is that, that is a cow. तो ये क्या है हमारा, cow है. That is the cow. So कहाँ पर है cow? कहाँ पर है, तो होगा हमारा where. Where is the cow? It is in the shed. Okay? तो ये रहा हमारा complete the questions with what or where. तो अब हम लिखेंगे sentence जो है वो उसका आपको सही बना के लिखना है. जैसे कि write these sentences right. तो यहाँ पर जो गलत जो है आपको सही करके लिखना है. Number one is where he is, what he is eating. What he is eating नहीं होता है, what is he eating, है ना. तो इसी तरीके से आपको सही लाइन जो है आप लोग को लिखना है. Number two, what she is reading नहीं होता है, what is she reading. क्या लिखेंगे हम, what is रीडिंग. नंबर थ्री, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट यू आर डूइंग नहीं होता है, तो ये सही है सेंटेंस. सो व्हाट आर यू डूइंग, तो ये जो सेंटेंस जो है हमारा सही है. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया था, हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. अब उसके बाद है हमारा वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग नहीं होता है. इसका सही सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, कहाँ पर जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. क्वेश्चन पूछ रहे तो हम क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे. ठीक है, नंबर फाइव, where you are staying, तो कहाँ पर रह रहे हो, where are you staying, तो where you are नहीं होता है, where are you staying होता है. ठीक है, नंबर सिक्स, where they are sitting नहीं होता है, where are they सिटिंग. तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव, है ना, जो आपको सही करके लिखना था, सही सेंटेंस बनाना था, तो ये भी हो गया. तो अब हम लास्ट में लिखेंगे राइट वेयर. तो यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, राइट फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट फ्यू थिंग्स दैट यू कांट डू. तो यू कैन डू यानी कि आप क्या कर सकते हो वो लिखना है, राइट फ्यू थिंग्स दैट यू कांट डू यानी कि आप क्या नहीं कर सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, आई कैन सिंग यानी कि आप गा सकते हो, आई कैन सिंग यानी कि मैं गा सकते हो, ये बताया आई कैन सिंग, और होगा आई कांट डांस, क्या होगा, मैं गाना गा सकती हूँ पर हमें डांस करना नहीं आता. सो आई कैन सिंग, आई कांट डांस, है ना. अब हम लिखेंगे आई कैन प्ले
फुटबॉल। तो हमें फुटबॉल खेलना आता है, आई कैन प्ले फुटबॉल। आई कांट प्ले बास्केटबॉल। तो हमें फुटबॉल खेलना तो आता है पर बास्केटबॉल खेलना नहीं आता है। आई कैन सिंग, आई कांट डांस। आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कांट प्ले फुटबॉल। ओके, सो आफ्टर दिस हमें है यहाँ पर आई कैन। तो आप क्या कर सकते हो दूसरा, वो लिखना है ना, आई कैन प्ले लूडो, यानी कि आपको लूडो खेलना आता है ना। आई कैन प्ले लूडो। आई कांट प्ले चेस, यानी कि चेस खेलना नहीं आता है। ठीक है, चेस खेलना नहीं आता पर वेरास लूडो खेलना आता है। सो है नेक्स्ट वन है आई कैन ड्रॉ। तो ड्रॉ करना तो आता है ना, ड्रॉ करना तो आता है पर उसमें पेंटिंग वाटर कलर यूज करना नहीं आता है, क्योंकि कोई जो स्केच करने में बहुत अच्छा होता है ना। तो आई कांट पेंट। सो आई कांट ड्रॉ करना तो आता है बट आई कांट प्ले, है ना। आई कांट पेंट, आई कैन ड्रॉ, आई कांट पेंट। आई कैन राइड साइकिल। तो साइकिल चलाना आता है, आई कैन राइड साइकिल। आई कांट राइड स्कूटर। तो स्कूटर चलाना नहीं आता है, आई कैन राइड साइकिल, आई कांट राइड स्कूटर। तो ये हमारा अब क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर टॉपिक दैट इज द क्लेवर माउस। तो हमने आज के पार्ट में यानी कि पार्ट टू ऑफ दिस टॉपिक दैट इज द क्लेवर माउस में ये जितना भी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने सब कर लिया है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स सब कर लिया है। एंड वी एंड विद दिस वी कम टू आवर टॉपिक दैट इज द क्लेवर माउस। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।